हेलो एवरीवन, कोमल देव किचन में आपका स्वागत है। आज मैं रेसिपी जो बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल है और इजी है, हमारे घर में सबको बहुत ही पसंद आता है, तो आप भी ट्राई कीजिए मेरे साथ में। पहले हम तवा लेंगे, इसमें जीरा और हींग भूनेंगे। इसके बाद हम जो पनीर है हमारा उसे हम तोड़ लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, आप चाहे तो हरे भी काट के डाल सकती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे खाएंगे तो इसलिए मैं कट करके नहीं डाल रही हूँ। और फिर हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और ये हमारा जीरा और हींग का पाउडर। मैं इसमें मसाला नहीं डालूँगी, जीरा ही डालूँगी और थोड़ा सा अमचूर खट्टे के लिए, और ऊपर से हम डालेंगे इसमें धनिया खूब सारी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मिश्रण को। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप चाहे तो उसमें प्याज भी डाल सकते हैं। मेरा बच्चा नहीं खाता छोटे वाला, तो इसलिए मैं नहीं डालती प्याज। तो आप इसे इस तरह से सारा मिश्रण तैयार कर लीजिए। अब जो हमने आटा गूंदा था उसे अच्छे से हम एक बार और मसल लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए एकदम। उसके बाद हम आटे को इस तरह से फैलाएंगे, और उसके बाद जो हमने पनीर का मिश्रण जो था हमने उसमें डाल देंगे और अच्छे से खूब अच्छे से भरेंगे, ताकि पनीर का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा इससे भरने से खूब ज़्यादा। अच्छे से ऊपर तक देखें, मैंने जैसा फिल किया है वैसे ही भर लेना है हमें। उसके बाद हम ऐसे बेल लेंगे। बहुत ही आसान है ये रेसिपी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अब हम इस रोटी को सेक लेंगे। इसे मैं मक्खन से सेक रही हूँ, मैंने घर पर ही बनाया है, इसे मैं सेक रही हूँ, इस मक्खन लगा कर ही सेक रही हूँ मैं इस रोटी को। आप घी लगा के भी सेक सकते हैं, तेल से भी सेक सकते हैं, पर मक्खन से बटर से ज़्यादा टेस्ट आता है, तो आप ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे छुट्टी वाले दिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है, इजी है, और इसे खाइएगा और खा के इंजॉय कीजिए। थैंक यू एवरीवन।